नमस्कार, मैं तनुजा जंगम और आप देख रहे हैं द फेस ऑफ इंडिया न्यूज। यूपी सरकार चीनी मिलों को चलाने और किसानों को गन्ने की पेराई और फसल का उचित मूल्य देने की बात करती है, पर यह सिर्फ बात भर ही है। सरकार की यह बातें बेमानी सी लगती है, क्योंकि बलिया जनपद के रसड़ा में लगी एकमात्र चीनी मिल बरसों से बंद पड़ी है, पर उसे फिर से शुरू करने के बजाय आए दिन उसे बेचने की बातें सुनाई देती है। यहाँ की बंद पड़ी मशीनों में लगा जंग उन तमाम कर्मचारियों और किसानों की किस्मत के तालों पर लगा जंग है, जो रोजाना हसरत भरी निगाहों से चीनी मिल के गेट को निहारते हैं। चीनी मिल को शुरू करने की बात पर सत्ता पक्ष के लोग प्रदेश में विकास की दुहाई देने लगते हैं, तो विपक्षी सूबे में सरकार न होने का रोना रोते हैं। 2013 से बंद पड़ी इस मिल में केवल सुरक्षा गार्ड की तैनाती रहती है। सुरक्षा गार्डों की कम संख्या होने के बावजूद भी इतनी बड़ी परिषद में सुरक्षा करना बहुत कठिन कार्य है। इस मिल को देखने से यह लगता है मानो जंगल है और इसमें खतरनाक जानवर भी है। जंगली सुअर और बड़े बड़े सांप, बिच्छू इत्यादि जानवर भी रहते हैं, पर सुरक्षा गार्ड अपनी जान को जोखिम में डालकर सुरक्षा करते हैं। लेकिन वहाँ के सुरक्षा अधिकारी शमशेर बहादुर मौर्य का कहना है कि उनकी सैलरी काफ़ी समय से नहीं मिल रही है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। वह काफ़ी कर्ज में डूब चुके हैं, लेकिन सूबे की सरकार से लेकर अधिकारी भी यहाँ के कर्मचारी सुरक्षा गार्डों पर कोई ध्यान नहीं देते। परिचय बताइए अपना। शमशेर बहादुर मौर्य, सुरक्षा अधिकारी पद पर मैं कार्यरत हूँ रसड़ा चीनी मिल। कितने वर्षों से आप यहाँ कार्यरत हैं? हम 1995 से हैं। जैसा देखा जाए कि मिल कई वर्षों से बंद पड़ा है, तो उसकी सुरक्षा के दृष्टि में आपकी यहाँ नियुक्ति है, किस तरीके से सुरक्षा आपके नेतृत्व में होता है? मिल 16 फरवरी 2013 से बंद है और जो सुरक्षा हमें मिली है उसी सुरक्षा से हम अपना काम चलाते हैं। क्या क्या सुरक्षा के मायने में क्या क्या व्यवस्थाएँ? और सुरक्षा के माने में हमारे हम हैं और हमारे दो जवान और हैं और पीआरडी के 9 जवान हैं। एक शिफ्ट में जो है 3 से 4 जवान रहते हैं, इन्हीं को लेकर के अपना देख रेख हम करते हैं, जिसमें हम लोगों की पीआरडी की वेतन जो है हर माह में आ जाती है और उसी सुरक्षा व्यवस्था को हम देख रेख कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो हम लोग कर्मचारी हैं रसड़ा चीनी मिल के, मतलब अस्थाई, हम लोगों के वेतन जो है लगभग 39 माह से बकाया चल रहा है। 39 माह से हम लोगों को वेतन नहीं मिली है। हाँ, वेतन रुका हुआ है, इसके संदर्भ में आपने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है क्या? प्रधान प्रबंधक महोदय को भी सूचित किया गया है। क्या आश्वासन मिला है? मिला है कि संघ स्तर से वेतन उपलब्ध होने पर। पिछले 40 माह से वेतन रुका हुआ है, इसको लेकर के दैनिक जीवन में आर्थिक संकट भी आता होगा, कैसे आप जीवन यापन करते हैं? हम लोगों के ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, वेतन न मिलने की वजह से हम लोग कर्ज ले लेकर के अपना काम चला रहे हैं। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग मांग किए हैं जैसे वेतन जो बकाया है वो हमारी वेतन दी जाए और पीआरडी जवानों के साथ साथ भी हमारा वेतन दिया जाए कि हम लोगों के भी परिवार का जीविका चलते रहे।